शाजिया रखते हैं तो उनको रखा दिया जाए क्योंकि वहाँ पर जो नजुलूस का ज्यादा होता है न पब्लिक होता है। आज के बैठक में क्या सब फैसला लिया गया? ये जिला मुहर्रम कमेटी की आज अहम बैठक हुई थी क्योंकि कल मुहर्रम पहली तारीख है और जैसा कि मालूम है कि पिछले दो वर्षों से हमारा देश जो है कोरोना से जंग लड़ रहा है और अभी भी हम इससे उबर नहीं पाए हैं। सेकंड फेज आया था गालिबन अप्रैल में, इतनी बुरी स्थिति थी और डॉक्टरों ने थर्ड फेज की भी जो है आशंका जताई है जिसके तहत बिहार सरकार ने लॉकडाउन लगाया और कुछ रियायतें भी दी है, अभी छूट भी मिली है लेकिन मंदिर और मस्जिद को बंद रखा गया है और कोई भी धार्मिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम सार्वजनिक स्थल पर नहीं करने की मनाहट है जिसकी वजह से हम लोग पिछली बार भी लॉकडाउन का पालन किए थे और सारे अपने जो मुहर्रम के प्रोग्राम थे उसको स्थगित किए थे। इस बार भी हमारी मीटिंग हुई है हमारे सेक्रेटरी साहब रुस्तम कुरैशी साहब के नेतृत्व में और पप्पू खां साहब खजांची कोषाध्यक्ष उनके नेतृत्व में, तो हम लोगों ने सारे खारियों को जो है निर्देश दिया है कि चूँकि सरकार का लॉकडाउन का आदेश है और किसी भी धार्मिक और राजनीतिक आयोजन पर रोक लगाई गई है इसलिए भी आप लोग भी अपना अपना जो भी करते हैं जो भी प्रोग्राम है उसको समय जो है स्थगित करेंगे और हम लोग भी जो मुहर्रम कमेटी ज़िला मुहर्रम कमेटी का जो अपना प्रोग्राम होता था जैसे नुमाइशी का प्रोग्राम है, पहली तारीख को मिट्टी लाने का प्रोग्राम होता था और शिरनी चढ़ाने की 8वीं मुहर्रम को और मिलान वगैरह सारी चीज़ों को हम लोगों ने स्थगित किया। सरकार का जो दिशा निर्देश है उसको पालन करते हुए अपना सारा प्रोग्राम जिला मुहर्रम कमेटी के अंतर्गत जो प्रोग्राम है उसको स्थगित किया गया है, उसको कैंसिल किया गया है, कैंसिल किया जाता है और साथ ही साथ आप लोगों के माध्यम से मैं ज़िला के लोगों से और जितने भी अखाड़ियाँ हैं उस्तादों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि जो ज़िला मुहर्रम कमेटी सरकार के दिशा निर्देश को देखते हुए फैसला ली है आप लोग इस पर अमल करें और अमल करेंगे जिस तरह पिछले साल हम लोग शांति वातावरण में लॉकडाउन का पालन किए अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए इस बार भी हम लोग उसी तरह लॉकडाउन को मद्देनज़र रखते हुए कोरोना कहर को देखते हुए हम लोग भी इस बार भी अपने सरकार का दिशा निर्देश का प्रशासन के दिशा निर्देश का बखूबी पालन करेंगे और हम लोग मुहर्रम नहीं मनाएंगे। हमारे जो बड़े भाई जो डब्बू भाई सिगरेट साहब रुस्तम कुरैशी साहब है एक टीम का व्यवस्था किए जो हर मोहल्ला में जा कर के जो उस्ताद को और खिलाड़ियों को जो उल्टा पुल्टा कोई इधर उधर नहीं करे उनको समझाने का काम करेंगे। इसीलिए आज बैठक था, आज के अलावा हर मोहल्ले में भेजा जाएगा जो टीम का व्यवस्था किया गया।